हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन कैलेंडर रीजनिंग। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करूंगा, आपको करवाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे इस चैप्टर के, कैलेंडर के। ठीक है, फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट दिस चैप्टर इज लाइक दिस। ओके, ध्यान दें कि देखो दो तरह के साल होते हैं। वो कौन कौन से दो तरह के साल होते हैं? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक है जी, जो ईयर है वो दो तरह का होगा, या तो नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। नॉर्मल ईयर में 365। अब हफ्ते कितने होते हैं बताइए, जल्दी बताओ मुझे, वीक्स कितने होते हैं नॉर्मल में और इसमें कितने वीक्स होते हैं? कितने वीक्स कितने डेज डिवाइड करना पड़ेगा, जल्दी करो। रॉन्ग आंसर। 365 डिवाइड बाय 7 क्या आएगा, सॉल्व करो। रॉन्ग आंसर। 52 तो होते हैं वीक्स, डेज कितने होते हैं? 52 डेज के साथ वीक्स कितने हो गए? सॉरी 52 वीक्स हो गए ना, तो 52 वीक्स प्लस हाउ मेनी डेज? 52 तो हो गए वीक्स प्लस वन डे, प्लस वन डे। और लीप ईयर में कितने होंगे? प्लस टू डेज। 52 वीक्स प्लस टू डेज। ओके, अब ऑड डे कितने होंगे? अब देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑड डे। ऑड डे का मतलब क्या होता है? यही होता है, ये वन डे जो है ये ऑड डे होता है। तो हर नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे होगा, जबकि लीप ईयर में हमेशा टू ऑड। हालांकि सब चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं आपको पिछले 3 दिनों में, ऑड डेज हो गए। ऑड डेज इसका क्या मतलब हुआ कि एक जनवरी ठीक है 2001 को अगर मंडे था, ठीक है, तो कौन सा दिन होगा 31 जनवरी 2001 को, जल्दी बताओ। सेम होगा, वेडनेसडे। दिमाग लगाओ अपना, लो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है, कि कैलेंडर ऑफ 2021 करते हैं। ये लो 2001 का कैलेंडर आपके सामने आ गया, ये देखो जी। अब आप देख पा रहे हैं 2001 का कैलेंडर, ठीक है। 2001 के कैलेंडर में 1 जनवरी को सच में क्या था? मंडे। अब देखो 31 को कौन सा दिन है, 31 तारीख को 2001 में कौन सा दिन है? मेरा क्वेश्चन भी तो कैसे यही था, ये देखो मैंने यही बोला, 1 जनवरी 2001 को मंडे था, बोला था आपको, तो हमने कैलकुलेट किया था 31 जनवरी 2001 को क्या होगा। और ये देखो यहां दिया हुआ है कि जनवरी 2001 में मंडे था, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं क्या, ये देखो अगर 1 जनवरी 2001 को क्या है मंडे, तो इधर से आप देखें 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2001 को भी क्या है मंडे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप समझिए। वेट, ये देखिए कि जो 1 तारीख है वो भी तो दिन का एक हिस्सा है ना,
ठीक है, यानी 1 जनवरी 2001 फर्स्ट डे है, ओके, 52 वीक्स होते हैं, समझ में आया? जाहिर सी बात है, जो इस हफ्ते के एंड में होगा, ठीक है, वही 52nd वीक जब खत्म होगा उसके एंड में होगा, ओके, तो 1 जनवरी 2001 को जो है, तो 364th डे को क्या होगा, ठीक है, जहां पर वीक खत्म होता है, ठीक है, तो वो मंडे था, ठीक है, यानी कि संडे, संडे होगा, तो 365th डे क्या होगा, मंडे होगा। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 तारीख को था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यानी पूरा का पूरा 2001 कैसे चलेगा फिर, 8 तारीख से 14 तारीख तक, फिर 15 तारीख से, ठीक है, 21 तारीख तक, ये सब मंडे टू संडे रहेगा, क्योंकि ये 7 डेज का एक सेट है, ये भी 7 डेज का एक सेट है, ऐसे 7 डेज के सेट, यानी 7 डे के वीक्स कितने होंगे, 52, तो आखिरी वाला दिन कौन सा बन जाएगा, 52 × 7 यानी 364th डे, और वो क्या होगा, संडे होगा, तो जाहिर सी बात है उसका अगला दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से लें कि अगर 31 दिसंबर 2000 को क्या था, संडे था, तो अगली 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंडे, समझ में आया, ओके फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज रियलिटी में वैसे ट्यूसडे है, इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर, फाइंड द डे आफ्टर 46 डेज, आफ्टर 46 डेज, देखते कौन पहले आंसर बताएगा, 46, सीधा odd days निकाल दो, odd days कैसे निकलेंगे, 46 को 7 से divide करें, remainder आ जाएगा, कितने odd days आएंगे, answer, शनिवार, 46 इसको, आपको पता 76 से 42 होते, तो 4 odd days आ गए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों ने आंसर बहुत कम दिया है, ठीक है, सर संडे, नहीं, ये हो गया ट्यूसडे के बाद 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे इज़ द आंसर, सैटरडे आंसर कैसे आया, समझ में आ गया आपको, हमने क्या किया, इफ टुडे इज ट्यूसडे तो क्या होगा आफ्टर 46 डेज, बच्चे गलती अगर जाते हैं 46 के बाद कौन सा दिन शुरू होगा, अगर ये होता विच डे विल फॉल, ठीक है, After 46 day, यहाँ पर हमने निकालना है 46th day, समझ में आया? क्योंकि आज के दिन से एक दिन क्या है period, यहाँ से लेके यहाँ तक, clear? और आगे चलते हैं हम, अगला question अब हम करने जा रहे हैं, ये देखिए question क्या है, आप लोगों के सामने ध्यान दीजिएगा कि if 8th Jan 2006 is Monday. Is Monday, then what day will be on 8th Jan 2007? 2006 के 8 जनवरी को मंडे था, तो 8 जनवरी 2007 को कौन सा डे होगा, देखते हैं कौन पहले निकालेगा, आंसर, क्योंकि एक और डे है, वन odd day है,
ठीक है, लीप ईयर का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है ना, तो ट्यूजडे बिल्कुल, ट्यूजडे इज द आंसर, ट्यूजडे, मंडे से एक दिन आगे जाएंगे हम। यहाँ पर 2006 भी लीप ईयर नहीं है, यहाँ पर 2007 भी लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि ये नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस कारण से आंसर हो गया ट्यूजडे। क्या मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं? चलो, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर 6 मार्च 2005 को मंडे है, वो मंडे है, देन व्हाट डे शैल बी ऑन 6 मार्च 2004। अब पीछे जाना, बैक, सर संडे, इसका आंसर क्या आएगा? अब यहां पर सैटरडे, 2004 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, अब बताओ आंसर क्या होगा? सर सैटरडे, सैटरडे किसने निकाला, नाम क्या आपका? सर हरमन। और बच्चों आंसर आने दो, लीप ईयर में हमने जाना है कहां से, 6 मार्च 2005 से पीछे जाना है, और कहां तक जाना है, 6 मार्च 2004, और लीप ईयर वाला पंगा कहां पर है, इससे और पहले लीप ईयर वाला पंगा पड़ेगा फेब में, समझ में आया? अब समझो, ये क्या लीप ईयर का पंगा इनके बीच में है, क्योंकि जो फरवरी बीच में आ रहा है वो 2005 का फरवरी आ रहा है, और 2005 के फरवरी तो 28 दिन थे, जो 29 दिनों वाला फेब आ रहा है, जो 29 डेज वाला फेब आ रहा है, वो तो 2004 वाला फेब है, और वो तो पंगे में आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने बैकवर्ड्स जाना है, हमने 2005 के मार्च से, ठीक है, 2004 के मार्च तक जाना है, और फेब यहां आएगा इसे एक पहले, ये होगा फेब 2005, जो कि 28 दिन का था, तो चाहे 2004 लीप ईयर है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ईयर की तरह वन ऑड डे काम करेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा? आंसर इज संडे, आंसर रहेगा संडे, आंसर इज संडे। पॉइंट समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। अगर आज सैटरडे है, इफ टुडे इज सैटरडे, आज क्या हो गया सैटरडे, टुडे, व्हाट डे विल बी आफ्टर 350 डेज, 350 दिनों के बाद क्या होगा, देखते हैं कौन पहले बताएगा, फास्ट, जल्दी, आज शनिवार है, 350 दिन के बाद क्या होगा, 7 × 5 = 35, जल्दी, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, 350 दिन पर क्या होगा, तो सैटरडे, ऑफ कोर्स, सॉरी संडे सर, नो ऑड, नो ऑड डे, कोई ऑड डे है ही नहीं, जो ये 350 है ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, जाहिर से मैंने बताया था कि अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो 8 तारीख को भी सैटरडे होगा आफ्टर 7 डेज, ठीक है, और 15 तारीख को भी सैटरडे होगा, और 22 तारीख को भी सैटरडे होगा, प्लस 7 कर रहा हूं, 1 + 7 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 7 = 22, 29 को भी सैटरडे ही होगा, 22 + 7 = 29, समझ में आया? तो 350 भी तो +7 + 7 करके आया है, नो ऑड डे, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ 6th फेब, अगर 6th फेब 2008 इज ट्यूजडे, अगर ये मंगलवार है, देन व्हाट डे विल फॉल ऑन 7th फेब 2009। अब देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है, लीप ईयर देख लेना, सर फ्राइडे, आंसर बिल्कुल सही,
क्योंकि यहाँ पर फेब एंड जो है वो इंक्लूडेड है, यानी 29 फेब बीच में आ रही है, यानी ऑड डेज कितने हो जाएंगे 2, प्लस यहाँ पे भी 6 का 7 हो गया तो एक दिन और ऐड हो गया प्लस 1, तो हो गए 3 ऑड डेज। तो ट्यूसडे के बाद 3 टिक्के लगा दो, 1, 2, 3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे इज द आंसर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। समझ में आया? किसको समझ नहीं आ रहा? कोई दिक्कत आ रही हो बच्चों? बताओ, पूछो। सब बच्चों को प्रॉपर समझ में आ रहा है? खुशी, गुरसिद्धक, वंशिका? सर आई एम नॉट, मुझे नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, नाम बोलो, नाम बोलो अपना, किसको नहीं समझ में आया बोलो, नाम बोलो बच्चे, किसको समझ नहीं आया? वंशिका समझ में आ रहा है? वंशिका आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, पिछले 2-3 लेक्चर आपने मिस किए हुए हैं। जब मैंने बेसिक्स ऑफ कैलेंडर कराया था यू आर नॉट इन द क्लास, ठीक है जी, इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको रहेगी अभी। नो सर, आपने क्लास मिस की थी ना? चलो, इफ 7 मार्च 2007 इज मंडे, 7 मार्च 2007 क्या था? मंडे था। तो बताओ 7 मार्च 2006 क्या होगा? करो कैलकुलेट। अब नो लीप ईयर, सिंपल ऐसी कर दो, पेन की क्या जरूरत है इसमें? आंसर इज, जल्दी बोलो, संडे। संडे, बस एक दिन पीछे जाना है। सो द आंसर इज संडे, क्योंकि वन ऑड डे, एक ऑड डे है बैक साइड जाना है, ठीक है जी। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, मजा कितना आता है इनको करने में, बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं आज तो। चलो, जो वंशिका का कुछ मिस हुआ वो भी आज करवा देते हैं जरा, ठीक है? वैसे भी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? देखो, जब हमें कोई डेट दी होती है और हमें उसका डे निकालना होता है, तो हमें 3 फॉर्मूला चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्या? मंथ कोड। मंथ कोड चाहिए होता है। मंथ कोड क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होगा 1, 4, 4, 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। याद रखो, 3-3 के टुकड़ों में याद करना, ओके। फिर अप्रैल, मई, जून का होता है 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 0.25 और फिर 0.36। अब दो चीजें ऐड हुई हैं, एक ये यूनिट ऐड हो गई, 144 में 2 यूनिट ऐड हो रहे हैं, तो ये होगा 146। पर जहां पर भी लीप ईयर आ गया वहां जनवरी और फरवरी, जैन और फेब में क्या हो जाएगा? -1 होगा या +1 होगा लीप ईयर के केस में? -1। ऑड डेज है ना ये, ऑड डेज, इसमें 0 ऑड डेज, इसमें 3 ऑड डेज, ये लीप ईयर के केस में चेंज आया। ये हो गया मंथ कोड, ये लिस्ट आपको याद करनी होगी। फिर उसके बाद अगली लिस्ट कौन सी है? डे कोड। डे का कोड होता है, कहां से लिखना शुरू किया था हमने? सैटरडे से शुरू किया था। सैटरडे का कोड क्या था? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद था सेंचुरी का कोड, ठीक है? सेंचुरी का कोड, सन 2000 से
2099 तक का कोई भी है तो हमारा कोड रहेगा क्या 6। फिर आता है 1900 से लेके 1999 तक का कोई ईयर है तो कोड है 0। 0246। अब फिर से 2 कोड कहां आ रहा है, ठीक है, 1800 से 1899, फिर आ रहा है 1700 से 1799, और फिर 1600 से 1699। अब ये देखो 1600, याद कर लो जो भी 400 से डिविजिबल है वहां का कोड 6 होगा, ठीक है, और उससे पीछे 024024 जाएगा, समझ में आया, 0246 0246, यानी 400 से लेके 499 तक जो ईयर है उसका कोड क्या होगा 6। और इससे एक स्टेप आगे चल पड़ो अब, ठीक है, 500 से 599 का अगर है तो हमारा कोड क्या होगा 4। समझ में आया, तो बस दो मेन याद कर लो, असली तो 1900 कुछ है तो 0, 2000 कुछ है तो 6, ठीक है जी। और ये 3 लिस्टें याद करनी होती हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि देखो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, वही निकालते हैं, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। फॉर्मूला है इसका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी कोड प्लस सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। अब डेट कौन सी आ गई 15। अब देखो मंथ का कोड, मंथ का कोड देखने से पहले एक बार जरूर देख लो कि लीप ईयर तो नहीं है, अगस्त है, अगस्त का कोड जाके देख के आते हैं। ये देखो ये आ गया अगस्त का कोड, अगस्त का कोड है 3, अगस्त का कोड है 3। अब आता है ईयर, ईयर 1947 प्लस लीप ईयर, 47 तक पहुंचते पहुंचते कितने लीप ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है, 47 को 4 से डिवाइड कर दो 11, ठीक है, तो 11 लीप ईयर्स खत्म हो चुके हैं, 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 11 प्लस और सेंचुरी कोड, अब ये 1900 समथिंग है तो सेंचुरी कोड हो गया 0। अब इस सब को डिवाइड करना है हमने 7 से, इस सब को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, 15 प्लस 3 18, ठीक है जी, 18 प्लस 47 हो गया 65, 65 और 11 76 इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यानी ऑड डेज कितने आ रहे हैं, ऑड डेज आ रहे हैं 6। और जब भी 6 बन जाए आपका 6 बन जाए तो इसका मतलब आंसर क्या है, रिमाइंडर है 6। अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो अब हम डे कोड में जाएंगे, डे कोड, ठीक है, 6 है तो क्या आ रहा है, ये देखो 6 है तो क्या आ रहा है फ्राइडे, तो आंसर क्या आ गया फ्राइडे। अब बताओ किस बच्चे को समझ नहीं आया, बताओ किस बच्चे को समझ नहीं आया, 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ हमने कैलकुलेट कर लिया कि उस दिन था फ्राइडे, कैसे कैलकुलेट किया वो भी समझा दिया। वंशिका आपका फिर कनेक्शन एरर आ गया था, अब बताओ क्या आपको समझ में आया, ये एक और क्वेश्चन कराऊं, वंशिका समझ में आया, बोलो बच्चे, खुशी आपको आ गया समझ, यस सर, गुरसिद्धक आ गया समझ, यस सर, वंशिका सुनाई दे रहा है आपको, वंशिका इज हैविंग सम प्रॉब्लम, चलो अब एक क्वेश्चन और करो, देखते हैं कौन पहले आंसर निकालेगा, आपको डे कैलकुलेट करना है, 16
जुलाई 1776, 16 जुलाई 1776, देखते हैं कौन पहले निकालेगा। वैसे लीप ईयर है पर शायद इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी का आंसर नहीं आया अभी? So I think it's Tuesday. और बच्चों में करने दो फिर पता चलता है। अंजलि ने आंसर निकाला है मंडे, खुशी ने निकाला है ट्यूजडे, गुरसिदक का आंसर देखते हैं क्या आता है। गुरसिदक चलो सिमरन ने भी आंसर निकाला है ट्यूजडे, गुरसिदक के आंसर का इंतजार है। गुरसिदक आंसर बताएं क्या आया? सो ट्यूजडे। ट्यूजडे बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कैसे किया जाएगा, ये देखो 16 ये हो गई डेट प्लस जुलाई का कोड क्या होता है, जीरो, ठीक है जी, जीरो होता है। फिर ईयर है 76 प्लस कितने लीप ईयर्स खत्म हो गए 19 प्लस सेंचुरी कोड हो गया 4, ठीक है। इन सब को टोटल करके 7 से डिवाइड करना है और जो टोटल करके बन रहा है 115 और इनका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 और 3 किसका कोड है, ट्यूजडे। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। किसको समझ नहीं आया, वंशिका सुना आपने, आवाज आ रही है वंशिका? वंशिका कैन यू हियर मी? चलो एक क्वेश्चन, अब आपको डे कैलकुलेट करना है। डेट है 5 अक्टूबर 2016। कैलकुलेट, कोड याद करने सीखो, कोड बार बार देखने नहीं है। तो जो तीन तीन टुकड़ों में करवाया मैंने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी एंड वाला हो गया। एंड में क्या होता है 146 होता है, तो अक्टूबर क्या हो गया 1। वंशिका समझ में आ रहा है बच्चे? सिमरन क्या आंसर आया? फ्राइडे आ रहा है। ये बच्चे आई थिंक आंसर इज थर्सडे। थर्सडे किसने निकाला, खुशी ने? Yes, sir. Wrong answer. देखो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है, फिर लीप ईयर आते हैं, फिर सेंचुरी कोड आता है, ठीक है। 5 अक्टूबर का कोड है 1, ईयर है 16, लीप ईयर है 4, ठीक है जी, सेंचुरी कोड हो गया 6। इन सबको ऐड कर दो, 5 + 1 = 6, 6 और 16 = 22, 22 और 4 = 26, 26 और 6 = 32, या ये बन गया 32/7। 32/7 इसको 7 × 4 = 28 होता है, तो 4 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर हो गया 4, रिमाइंडर हो गया 4। और 4 किसका कोड है, हमने सैटरडे से शुरू किया था ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 0, 1, 2, 3, 4, तो वेडनेसडे का कोड है 4, तो आंसर हो गया वेडनेसडे।
ज्यादा समझ में आ गया? दुखी समझ में आ गई कहां थी? खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. उस दिन मैंने 26 जनवरी 1950 कराया था, आज मैंने 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन और जिस दिन संविधान लागू हुआ था दोनों मैं करवा चुका हूं। अब दोनों का रिमिक्स कर देते हैं। 26 जनवरी 1947 को बताओ कौन सा डे था? 26 जनवरी 1947, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आया किसी का आंसर? अंजलि ने सबसे पहले आंसर निकाला है। सर, आई थिंक आंसर इज संडे। करेक्ट आंसर, करेक्ट संडे निकाला ना आपने, करेक्ट आंसर। फिर से वही करेंगे, ठीक है। 26 प्लस जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1। ईयर कौन सा है? 47 प्लस लीप ईयर कितने हो गए यहां तक आते आते? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 7, ऐड करोगे आएगा 85/7। देयरफॉर द आंसर इज रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। और 1 किसका कोड होता है? संडे का। गुरसिदक हो गया? यस सर, पहले ही हो गया था। फिर आंसर क्यों नहीं बोला सर? बोला कंफर्म हो जाता है ना, दूसरे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 16 अप्रैल 2002, 16 अप्रैल 2002, 16 16 अप्रैल 2002 सर, इज द आंसर ट्यूसडे? आंसर इज अंजलि ने ट्यूसडे निकाला, खुशी ने ट्यूसडे निकाला, गुरसिदक का भी निकला नहीं है। नहीं निकला सर, गलत आ रहा है। इसे एक मिनट, लीप ईयर का बताना, मतलब सॉरी लीप ईयर का बताना कैसे निकलेगा इसमें? सॉरी कंफ्यूज हो गया यार, दो सालों को लीप ईयर खत्म हो ही नहीं सकते। लीप ईयर होने के लिए 4 चाहिए, नो लीप ईयर। अच्छा, तो काउंट ही नहीं करेंगे ना उसे? हां हां, 2 को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए 0 रहेगा। हां हां, ओके सर। क्या अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पैदा कर रहा हूं, पर उसको दो तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है कि इस डेट, ये तो आंसर आ गया कि इस दिन था ट्यूसडे, इस दिन था ट्यूसडे, इससे दो साल पहले क्या तारीख थी, कौन सा डे था, यानी 16 अप्रैल 2000। पहले तो और डेज देखो कितने हैं। कितने और डे हैं? दो दो टिक्के मारो,
आंसर सिंपल और दूसरा तरीका देखो अब इसके दो तरीके हैं पहले तो डेट क्या बन गई ठीक है दो साल पहले जाना है ना तो डेट बन गई 16 अप्रैल 2000 और दूसरा तरीका यह है कि दो साल पीछे गए यानी टू ऑड डेज क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं कोई बीच में ठीक है टू ऑड डेज यानी कि ट्यूसडे से पहले दो टिके एक और दो ये मंडे और ये संडे इज द आंसर संडे इज द आंसर कितना आसान है अब दूसरा तरीका करें देखते हैं 16 अप्रैल 2000 ना 16 प्लस अप्रैल का कोड क्या था जीरो प्लस ईयर का कोड क्या रहेगा अच्छा ईयर का कोड सेंचुरी का नहीं ईयर का जीरो प्लस लीप ईयर कितने हुए इसमें जीरो जीरो प्लस सेंचुरी कोड 6/7 ये बन गया 22/7 रिमाइंडर क्या आया 1 और 1 का कोड क्या होता है संडे तो ऐसे भी संडे आ रहा है ऐसे भी संडे आ रहा है समझ में आया जैसे मर्जी कर लो आंसर वही आएगा अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन अगली बार करेंगे क्लास एंड करते हैं हम ठीक है क्लास एंड आज की क्लास यही खत्म होती है समझ में आया आज आपको अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले क्लैट के क्वेश्चंस आएंगे उसे आप सॉल्व कीजिएगा ठीक है बाय बाय सी यू क्लास एंड